बहुत अच्छा प्रोग्राम आप सभी के बीच में चल रहा है। अच्छी तो लग रही है रागिनी, समझ में आ रही है सभी के? बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, एक दो रागिनी गाने का आदेश मुझे भी दिया गया और आदेश भी कर दिया कि महाभारत के किस्से की दो रागिनी सुना दूं। पहले एक सुना देती हूँ, अगर अच्छी लगेगी तो दूसरी देखेंगे, वरना और कलाकार आपके बीच में बैठे हैं। आइए, एक रागिनी उस समय की होगी कि जब वो दुशासन उस द्रौपदी को बालों समेत खींचता हुआ भरी सभा में लेकर के आता है। भरी सभा को देख करके द्रौपदी चकित रह जाती है। न्यू कहने लगी कि आज मुझे इस भरी सभा के अंदर बुलवाया है, आखिर ऐसी कौन सी खता मैंने कर दी थी? क्योंकि राज घराने की बहुएं कभी राज दरबारों में नहीं जाया करती, लेकिन आज मुझे बुलवाया गया है। किस प्रकार से मेरे पांचों पति भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। आइए, अपने पांचों पतियों को ललकारती है वो द्रौपदी और न्यू कहने लगी, सुने रागिनी के माध्यम से आइए। रसती वीर के ब्याहवनिया क्यों नीची नाड़ झुकारे, और कहने लगी क्या, हे रपड़ो बिजली के रानी के जाए बोलन तक मोहताज जो रानी के जाए, हेर इज्जत तरवावन ने ही के मने ब्याह के ल्याए, पांचों शेर सिंगनी काज बैठे दूध लजाए, पांचों शेर निगाह झुकाए बैठे क्यों रे, निगाह झुकाए बैठे क्यों, जस लाज शर्म के मारे जुए के बन गए खिलाड़ी, जुए के बन गए
के भी अज लगे जुआ पैताले हेरा हाथ पे हाथ धरे बैठे खुद धर्म मानने वाले ये हस्तनापुर उजड़ेगा एक दिन बहे खून के नाले न्यायकारी वीर निराले न्यायकारी वीर निराले क्यों बैठे चुप सारे पड़ो बिजली के तुम पे मेरी इज्जत ने तरवारे सती वीर के ब्याहवनिए क्यों नीची नाड झुकारे सजा पाओगे पाप के भागीदार कभी पाओगे हेर सिंगनी छेड़ी आज पापिया तुम भूखी खाओगे करी उस दिन ने याद जालिमो रो रो डकराओगे रंज रागनी गाओगे रे रंज रागनी गाओगे तुम्हें ऋषि पाल समझा रे पढ़ो बिजली के तुम पे मेरी इज्जत ने करवा रे सती वीर के ब्याह बनिए क्यों नीची नाड़ झुका रे